आज हमारा टॉपिक है पिजिन में कितने टाइप्स के फेदर्स पाए जाते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है कि जो जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ नहीं पाते हैं, तो उनको हम रेटिटी कहते हैं, क्योंकि उनमें फेदर होते हैं वो यूनिफॉर्मली पूरे बॉडी में होते हैं, मतलब कहीं पर भी अलग अलग फेदर्स नहीं होते हैं, इसलिए कारण वे उड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम पिजन या जो उड़ने वाले बर्ड्स हैं उनके बारे में देखते हैं, तो उनको हम कैरिनेटी कहते हैं, और इनको कैरिनेटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अलग अलग एरिया में अलग अलग पैच में अलग अलग फेदर्स पाए जाते हैं। तो जो अलग अलग पैच के एरिया है उनको हम कहेंगे टेरेली कहेंगे, ठीक है। तो जो इनको जो कैरिनेटी है, इनमें अलग अलग पैच में फेदर्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस प्रोसेस को हम टेरिलोसिस कहेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें अलग अलग पैचेस और उनके एरिया कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये जैसे कि इसका पिजन का वेंट्रल साइड है और ये डॉर्सल साइड है, ठीक है। अब वेंट्रल साइड में सबसे पहले यहाँ हेड तक का जो एरिया, यहाँ पे अलग फेदर्स पाए जाएंगे, तो इस एरिया को हम सेफेलिक कहेंगे। इसके बाद में यहाँ पे नेक के एरिया में अलग फेदर्स पाए जाएंगे, तो इसको सर्वाइकल कहेंगे। ये दोनों डोर्सल और वेंट्रल साइड में सेम होते हैं, ठीक है, एरिया अलग अलग है, ठीक है। अब जब हम वेंट्रल साइड में देखते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था कि इनमें कील पाए जाते हैं, स्टर्नम में कील पाए जाते हैं, जो इनके रिब केज होते हैं उनमें कील पाए जाते हैं स्टर्नम की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेदर पाए जाते हैं वेंट्रल साइड में उनको हम कहेंगे वेंट्रल एरिया, ठीक है। और यहाँ पे डॉर्सल साइड में ऊपर की ओर क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व होती है, तो उस एरिया को हम स्पाइनल एरिया कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे अलग टाइप के फेदर पाए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे इसके घुटने से ऊपर के एरिया में अलग फेदर पाए जाते हैं, तो उसे हम फोरोरल कहेंगे, फिमोरल कहेंगे, ठीक है। फिमोरल के बाद में यहाँ पे घुटने के नीचे जो फेदर का एरिया है उसे प्रोरल कहेंगे। और इसके बाद यहाँ पे इसके पूंछ जो टेल का एरिया, यहाँ पे जो फेदर पाए जाते हैं, तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, कॉडल एरिया, ठीक है, क्योंकि पूंछ है तो कॉडल एरिया। तो ये थे इसके अलग अलग एरिया। यहाँ पे एक और एरिया है कि जो ह्यूमरस होता है, तो ह्यूमरस में भी अलग तरह के फेदर पाए जाते हैं, तो इसे ह्यूमरल एरिया कहेंगे, ठीक है। अब इसके टाइप्स देखते हैं, तो हम इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं कि उनमें फ्लाइट फेदर का हमने एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखा था, तो उस स्ट्रक्चर में हम क्या देख चुके हैं, रेमिजिस देख चुके हैं। इसके बाद में उस फ्लाइट फेदर में भी दो तरह तीन टाइप के पाए जाते हैं, तो हमने रेमिजिस तो देख लिया। रेमिजिस के अलावा दो और पाए जाते हैं, वो है रेक्ट्रिसिस और पॉवर्ट्स। ये दो तरह के और पाए जाते हैं, फ्लाइट में थ्री टाइप्स के फेदर पाए जाते हैं। तो हम रेमिजिस का देख चुके हैं, अब देखते हैं रेक्ट्रिसिस, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो हमने देखा था कॉडल एरिया होता है, तो कॉडल एरिया में ये देखिए ये ब्लैक ब्लैक सारे हैं, ये 12 होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रेक्ट्रिसिस होते हैं। अब रेक्ट्रिसिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है कि इनमें देखिए जो रेमिजिस होते हैं उनमें वेन होता है, तो सेंट्रल एक्सिस वेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो रेमिजिस में क्या होता है कि एक पार्ट तो छोटा होता है और एक पार्ट बड़ा होता है, लेकिन जो रेक्ट्रिसिस है इनमें क्या होता है कि जो सेंट्रल एक्सिस है वेन को दो समान पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब वेन यहाँ पर भी जितने साइज़ का है यहाँ पर भी उतने ही साइज़ का होगा, तो ये रेक्ट्रिसिस है। इसके बाद कॉवर्ट्स, कॉवर्ट्स क्या होते हैं कि जैसे कि देखिए यहाँ पे ये रेमिजिस तो आ गए, लेकिन यहाँ पे इनके क्विल के एरिया में, कैलमस के एरिया में यहाँ पे थोड़ा स्पेस, इन दो फेदर के बीच में स्पेस, दो फेदर के बीच में स्पेस, तो इस स्पेस को कवर करने के लिए यहाँ पे जो फेदर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कवर्स। ये इस तरह से इसके स्पेस को फील करते हैं। तो ये यहाँ नीचे की ओर भी पाए जाएंगे, मतलब वेंट्रल साइड में भी पाए जाएंगे और डोर्सल साइड में, मतलब ऊपर और नीचे दोनों ओर, तो ये इसको, इस स्पेस को कवर करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये स्पेस को कवर करते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पे हमने नीचे अभी देखा था रेक्ट्रिसिस देखा था, रेक्ट्रिसिस में भी यहाँ पे नीचे क्विल के एरिया में स्पेस होता है, तो इस स्पेस को कवर करने के लिए ये देखिए ये क्या है, कवर्ड्स है। इसके
इसके नाम से ही पता चलता है कि कवर्ड्स मतलब किसी को कवर कर रहे हैं। तो ये नीचे की ओर भी होते हैं और ऊपर की ओर भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब ये एयर में उड़ते हैं तो क्या करते हैं, एयर के बॉयंसी को कम करते हैं, मतलब ऊंचाई को कम करते हैं। ज़्यादा अगर एयर ज़्यादा फोर्स से आएगी तो ये ज़्यादा ऊपर उछल जाएंगे ऊपर की ओर। लेकिन इनके कारण क्या होता है कि ये इनकी एक यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी होती है उससे ही आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये बॉयंसी को कम करते हैं। इसके बाद है हमारे जो फ्लाइट फैदर है वो कंप्लीट हो गए। तो फ्लाइट फैदर में हम देख चुके हैं रेमिजिस, रेक्ट्रिसिस और कवर्ट्स, ये थ्री टाइप्स हैं। अब देखते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप कौन सा है, कॉन्टूर। अब ये कॉन्टूर क्या होते हैं, तो कॉन्टूर में क्या होता है कि बीच में एक सेंट्रल एक्सिस होता है, वेन होते हैं और ये जो जो हाइपोरेकिस या आफ्टर शाफ्ट है ये देखिए कितने बड़े होते हैं। जो रेमिजिस और रेक्ट्रिसिस होते हैं इनमें ये हाइपोरेकिस होता है ये छोटा होता है, लेकिन इनमें ये फुल्ली डेवलप्ड होता है, ठीक है। अब इनमें अलग खासियत ये है कि इनके जो बाब्स होते हैं, बाब्स के बीच में बारब्यूल्स होते हैं, तो ये बारब्यूल्स होते हैं ये पूर्णली डेवलप्ड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये वुली स्ट्रक्चर जैसे दिखाई देते, उनके जैसे दिखाई देते बिखरे हुए, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो ये कॉन्टूर फेदर्स है ये इसकी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। तो क्या होता है, इसकी बॉडी पूरी स्मूथ हो जाती है। तो स्मूथ के कारण क्या होता है कि जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है उसको कम करता है, क्योंकि अगर ये जैसे कि स्मूथ नहीं होंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस पैदा होगा जब एयर में ये उड़ेंगे। लेकिन ये स्मूथ होने के कारण क्या होता है, एयर आसानी से यहाँ से स्मूथली फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी रेसिस्टेंस को कम करता है, कौन से, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को। तो ये थे कॉन्टूर फैदर। ये कॉन्टूर फैदर है ये अडल्ट में ही पाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड है, थर्ड कौन सा है, फिलोप्लूम। तो ये फिलोप्लूम, इनको हम हेयर और पिन फैदर भी कहेंगे। तो इनमें क्या होता है कि एक सेंट्रल एक्सिस होता है, ठीक है, और इनमें जो वेन होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए बहुत सेपरेट, मतलब दो जो दो वेन है इनके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपस में बाप से ही आपस में जुड़े हुए नहीं होते कि बीच में ये देखिए खाली स्पेस होता है। तो इनमें क्या होता है कि जो बारब्यूल्स है वो डेवलप नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है ये बिखरे हुए रहते हैं। तो ये क्या होता है, बॉडी में एक पैच के फॉर्म में नहीं होते, मतलब जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे जो फैदर, जैसे कि सर्वाइकल, ये जैसे कि सर्वाइकल है, ठीक है। इस एरिया में जो फैदर पाए जाते हैं तो ये क्या है, इस एरिया में अलग अलग तरह के, जैसे कि हम मान ले कॉन्टूर फैदर है तो यहाँ पे इसका एक पैच बनेगा, इसके बाद यहाँ पे खाली स्पेस रहेगा, यहाँ पे कोई फैदर नहीं होंगे, तो इसके बाद यहाँ पे फिर पैच बनेगा, फिर यहाँ से तो ये बीच का खाली स्पेस रहेगा, फिर यहाँ से ऐसे फैदर बनते रहेंगे। तो ये अलग अलग पैच बनते हैं, जैसे कि ये पूरा फैदर है, तो बीच का ये खाली स्पेस है। तो खाली स्पेस को हम क्या कहेंगे, एप्टीरिया। खाली स्पेस को हम एप्टीरिया कहेंगे। तो जो फैदर है ये अलग अलग पैच में, जैसे कि यहाँ पे कॉन्टूर फैदर आ गए, यहाँ पर कोई और फैदर आ गए, ठीक है, तो अलग अलग फैदर होते हैं। लेकिन जो ये फिलोप्लूम है ये एक पैच के फॉर्म में नहीं होते, ये कहीं पर भी, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। मैं अलग पेन से बनाना चाहूँगी, जैसे कि ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी। तो इनका एक पैच के फॉर्म में नहीं होते, ये पूरी बॉडी में कहीं पर भी बिखरे हुए हो सकते हैं, ये सेपरेटली होते हैं, ग्रुप में नहीं होते हैं। इनका कोई काम जो करते हैं वो अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है, तो इनका फंक्शन अभी अननोन है। इसके बाद हम देखते हैं डाउन फैदर। तो डाउन फैदर में क्या होता है कि इनमें रेकिस नहीं होता है, ठीक है, तो रेकिस नहीं होता है, इनमें कैलमस होता है। तो कैलमस के जो अपर पॉइंट है, ठीक है, सुपीरियर अम्बिलाइकस है, वहाँ से ये बाब्स निकलते हैं। और ये बाब्स कैसे होते हैं, देखिए लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, और लंबे होते हैं। बाकी में तो देखिए छोटे छोटे, लेकिन इनमें ये देखिए पूरी साइज में लंबे लंबे होते हैं। में बारब्यूल्स नहीं पाए जाते हैं,
ठीक है, तो बाल्बुल्स नहीं पाए जाएंगे, तो ये आपस में नहीं जुड़ पाएंगे और ये एकदम फ्लफी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये वाले फेदर है ये सिर्फ जो हैच्ड जो बर्ड्स होते हैं उनमें ही पाए जाते हैं, ठीक है, जो नवजात बर्ड्स हैं उनमें ही पाए जाते हैं। तो ये चाइल्ड में ही पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं, मतलब इसके बॉडी के हीट को कंजर्व करके रखते हैं। ये जो कॉन्टर फेदर है ये भी बॉडी के हीट को कंजर्व करके रखते हैं, लेकिन ये इनमें दोनों में फ़र्क ये है कि ये एडल्ट्स में पाए जाते हैं और ये चाइल्ड में पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स के फेदर्स, जो डाउन फेदर्स हैं इनको हम प्लूम्यूल्स भी कहेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे फेदर्स, थैंक यू।